तो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आज हम जाने वाले हैं पंचकुला हरियाणा में देवी माता के मंदिर में, और आपको ये नई जर्नी मैं दिखाऊंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम ये फेमस काफ़ी ज़्यादा मंदिर है तो इस मंदिर को दिखाते हैं। हमारी गाड़ी भी तैयार है और सुबह के 6 बजे हुए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ मन्नत वगैरह मांगी जाती है, इसलिए जा रहे हैं। तो हम भी जाएंगे और देखेंगे दर्शन वहाँ के। चलो, धन्यवाद दोस्तों। आगे वीडियो में देखते हैं कि वहाँ पर कि किस तरीके से दर्शन किए जाते हैं माता के। अपनी जर्नी के लिए निकल चुके थे नोएडा से। हमने पंचकुला मनसा देवी मंदिर गूगल पर सर्च करके वहाँ पर निकले, और उस रूट के निकलने के बाद हमें पंचकुला सिटी देखने को मिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाई गई थी। आप खुद देख सकते हैं कि चारों तरफ रेड लाइट वगैरह लगाई गई थी और बहुत ही साफ सुथरी सिटी हमें देखने के लिए मिली। देन उसके बाद हम पंचकुला देवी मंदिर पहुंच गए थे। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद हमने देखा कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए थे। आप देख सकते हैं खुद भी कितनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि ये संडे का दिन था और संडे को बताया जाता है कि यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। अब हमारे सामने विडंबना ये थी कि हम लाइन किस तरीके से लगे। हालांकि माता के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो हमने निश्चय किया कि चलिए एक काम करते हैं। हमारे घर के और सदस्य थे, वह लाइन में लग गए और हम उसके बाद प्रसाद लेने के लिए दूसरी साइड बने हुए प्रसाद स्थलों पर चले गए। आप देख सकते हैं इस साइड का जो एरिया है, आप चारों ओर यहाँ पर दुकानें बड़ी बड़ी प्रसादों की सजी हुई हैं, क्योंकि माता मंदिर के अंदर हमें अपने प्रसाद को पूज्य बनवाने के लिए पंडित जी को देना था, इसलिए हमें प्रसाद का लेना जरूरी था। तो आप देख रहे हैं हम भी उसी एक दुकान की तरफ हम बढ़े। हमें यहाँ पर ये चौधरी प्रसाद भंडार दुकान हमें सही लगी, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हो, इसमें जाने के बाद हमने वहाँ पर प्रसाद क्या क्या हमें लेना है उसके बारे में हमने किसी से बात करी, और ये ट्रिप मैं आपको वो ही बता रहा हूँ जो मेरा नज़रिया रहा इस ट्रिप में। आप बाकी किस किस तरीके से आए हैं वो आपने पहले ही देख चुके होंगे। तो यहाँ पर ये दुकान मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो यहाँ पर इस दुकान से मैंने प्रसाद खरीदा। ज़्यादा का नहीं खरीदा, सिर्फ 200 रुपये का खरीदा था, हमारे लिए काफ़ी हो गया 200 रुपये का प्रसाद। और माता और यहाँ पर हमने अपने जूते चप्पल वगैरह, यहाँ पर इन दुकानों में व्यवस्था है जूते चप्पल रखने की, तो आप अपने जूते चप्पल यहाँ से रख कर आपने यहाँ पर आगे मनसा देवी मंदिर के चारों तरफ श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ थी। हालांकि आगे दर्शन में ज़्यादा समय ना देते हुए वह आगे श्रद्धालुओं को बढ़ाते हैं, इसलिए भीड़ भी आगे आगे चल रही थी अपने चहल कदमों से। लगभग सुबह के हम निकले थे 6 बजे और अभी 11 बज चुके थे पहुँचते पहुँचते, ठीक है। और बाकी हालांकि हमारा स्टे पहले ही हो चुका था, अभी ये श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख रहे हैं, मनसा देवी का मंदिर हमें दिखने लगा था। और आगे हम बढ़े और जोर शोर से नारों की आवाज़ के साथ बढ़ते हैं, तो एक जोश अलग ही बढ़ता है मनसा देवी इस मंदिर में। और यहाँ पर श्रद्धालुओं को जैसा बात करने से बहुत लग रहा है कि यहाँ पर आप यहाँ पर अपनी कोई भी मन्नत मांगने आते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ की एक बात बताई गई है कि यहाँ पर कोई भी मन्नत मांगते हैं उसके लिए आपको चुनरी और धागा बांधना पड़ता है इस पीपल के वृक्ष पर, और उससे क्या होता है कि जब आपकी मन्नत वह पूरी हो जाती है तो आप यहाँ पर आकर कोई भी धागा या चुनरी आकर खोलना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि अगर आप यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं तो आपकी मन्नत पूरी होने के बाद आपको दूसरी बार आना ही पड़ेगा। ये यहाँ की देवी माता के मंदिर के विचार हैं।
और ये आप देख रहे हैं कि ये जो परिसर बनाया गया है थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र पे ऊंचाई में बनाया गया है, और यहाँ पर जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं ना कि ये चुनरी खोली जा रही, इनकी मन्नत पूरी हो गई है, इसलिए यहाँ पर ये चुनरी खोलने आए हैं और खोल रहे हैं। काफ़ी लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत ये सब कितना, और ये इस साइड थोड़ा यहाँ पर आप पूजा पाठ करने का स्थान है, यहाँ पर आप कोई भी मन्नत पूरी करने के बाद आप जरूर यहाँ पर दोबारा आइए, मेरा भी विचार यही है। और मंदिर परिसर काफ़ी बड़े क्षेत्र में बनाया गया है मनसा देवी का। यहाँ पर आपकी जो ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप अगरबत्ती धूप बत्ती जला सकते हैं, हालांकि धूप बत्ती ही जलाना ठीक है, अगरबत्ती जलाना मेरे विचार में उचित नहीं होता है मंदिर परिसर में या कहीं भी। और बाकी ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये मनसा देवी मंदिर का, आप खुद इस मंदिर के नज़ारे